लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आओ विकी आओ, वेलकम डार्लिंग। उस हरामजादे 2% के वकील ने भरी बस्ती में मेरे डैडी की इंसल्ट कर दी और तुम दोस्त लोग खड़े मुंह ताकते रह गए। अर्गेस नहीं, हमें तो तुम्हारे डैडी ने रोक लिया था विकी, वरना विकी के दुश्मन अक्सर घरों में नहीं अस्पतालों में पड़े मिलते हैं और इस बार मिस्टर अरुण वर्मा साहब का भी अस्पताल पहुंचना बहुत जरूरी है। हाँ गीता, अरुण बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? वो बोरेवली टेलीफोन बूथ से। माथुर साहब कहाँ हैं? वो बाथरूम में हैं। उनसे कहना थोड़ी देर घर पे आ जाएं, माँ को समझाना था कि वो अरुण की आंखों में पट्टी कैसे बांधी जाती है। मिस्टर अरुण वर्मा, पहचान सकते हो कौन आदमी है? बताओ पुलिस स्टेशन जाकर कौन है, हम देख रहे हो ना। अकाल से दुश्मनी का यही जवाब है। अरुण, ये कौन सी आवाज है? अरुण, ये क्या हो रहा है? चीजा जी प्लीज जल्दी आइए ना, जरा देखिए तो क्या हो रहा है। एक दो साले को किसी अस्पताल के सामने। डॉक्टर साहब, मैं भैया के पास ही रहूंगी। व्हाट इज दिस कोमल, देखो बच्चों की तरह जिद नहीं करते, तुम्हारे यहां रहने की कोई जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी। यस। ठकराल साहब ने ये फूल भेजे। थैंक यू। Cheers, Jagat Sahab. What a grand party. In the honor of Mr. Thakral. जो तुमने किया वो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। तुम्हें समझाने का यही एक तरीका था। करेक्ट करेक्ट। मुझे तुम्हारी मौत नहीं, जिंदगी चाहिए ठकराल, ताकि मैं तुम्हारे हर किए का जवाब दे सकूं और मेरा हर जवाब तुम्हारे सवाल के मुताबिक होगा। गुड नाइट। तूने डैडी को देखा तो नहीं? नहीं यार, मालूम नहीं कहां। दरवाजा खोलो। कहां है डैडी? डैडी आपकी आवाज सुनाई दे रही मगर आप दिखाई नहीं दे रहे। अरे उल्लू के पट्टे में यहाँ हूँ। अंकल आप भाई कहाँ? अरे हराम दादा, मैं अंदर हूँ। अंदर कहाँ डैडी? अरे इस कबर
के अंदर। कब? डरी अंकल आप रुकिए, मैं चाबी लेकर आता हूँ। अरे कुत्ते के बच्चों, जब तक तुम चाबी लेके आओगे मेरे अंदर जान निकल जाएगी। छोड़ यार चाबी, तोड़। डरी मास्टर का इम्तिहान ले रहा हूं। नहीं नहीं विकी, प्लीज डोंट विकी। कौन तुम प्यार करती हो? कौन हो रहे हो तुम? नहीं लवली विकी, प्लीज स्टॉप विकी, मुझे डर लग रहा है, रोक दो प्लीज विकी। विकी कहां जा रहे हो? देख कर विकी, दो बोलो विकी। मैं जब तक नहीं रुकूंगा जब तक तुम नहीं कहती कि मुझसे प्यार करती हो। विकी मुझे डर लग रहा है, प्लीज रोक दो विकी, प्लीज रोक दो। मैं जानता हूं तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन बोलती क्यों नहीं? बहुत बुरे हो तुम। अरे रामू। हाँ साहब। आजी कहाँ है? जी वो ऊपर वाला कमरा में है। कोमल भी नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? ये उनका भी फोन आया था कि वो देरी से आएंगी। अब बस, I'm tired Vicky. All right. कोमल तुमसे मिलने से पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि true love क्या होता है। मुझे कभी कोई लड़की अच्छी नहीं लगी। Really? मगर तुम्हारे मिलने के बाद तो सच? You know. Hi, Vicky. तुम इस टेबल पे बैठी कैसे? मैं इस टेबल पर यहाँ इसलिए बैठी हूँ ताकि तुम किसी और मासूम की जिंदगी बर्बाद न कर सको। क्या था पैसे? वेटर, मैनेजर को बुलाओ। कोमल, ये मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर चुका है, अब ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद न करते। शट अप पैसे। मैं तुम्हें इसके वो लव लेटर दिखाऊंगी जो इस धोखेबाज ने मुझे लिखे थे। कोमल तुम पढ़ोगी तो? तुमने अगर कोमल को भड़काने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, समझी? विकी ले जाओ इसे। कोमल, वो कोमल सुनो तो। मुझे नहीं बनना है पागल। तुम मुझे पागल करके जा रही हो? विकी समझ गया, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए अब मेरे पास एक ही रास्ता है कोमल, तुम्हें मेरे डैडी से मिलना होगा, अभी इसी वक्त। तुम अरुण वर्मा की बहन हो? जी हाँ। तुम दोनों शादी करना चाहते हो? हाँ डैड, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। कोमल आओ छोड़ डैडी के। गॉड ब्लेस यू। Good, good, very good. Good evening, Mr. Arun Verma. अकेले खेल रहे हैं आप? अच्छा है, अच्छा है। अकेले खेलने में कम से कम हारने का डर तो नहीं होता? मुझे तो कभी भी हारने का डर नहीं है ठकराल साहब। सही फरमा रहे हैं आप, क्योंकि अब आप ओछी हरकतों पर उतर आए। मतलब? आप जानते हैं कि मेरा एक ही बेटा है और मुझे नीचा दिखाने के लिए उसे अपने जाल में फांसने की कोशिश करना, और वो भी अपनी बहन के जरिए। ठकराल, मैंने दुश्मनों की घटिया से घटिया हरकतें देखी हैं मगर इतनी गिरी हुई नहीं। खैर, अब ये खेल तुम्हारे हाथ में है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। सच्चाई से मुंह फेर लेना बेवकूफी है, और सच्चाई यही है कि मैं विकी से प्यार करती हूँ। कोमल वो एक नंबर का बदमाश है, गुंडा है, कमीना है। भैया, विकी को गाली देने का मतलब मुझे गाली देना है। कोमल, अरुण, ये क्या हो गया है तुम्हें? पूछो इससे क्या हुआ है, पूछो। अरे
अगर कोमल को मिलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगा, और जिस दिन मैंने यह फैसला किया उस दिन तुम्हारा बाप भी तुम्हें बचा नहीं सकेगा, ये याद रखना। अरुण वर्मा ने यह थप्पड़ तुम्हें नहीं, टीटी ठकराल के बेटे को मारा है। उसकी बहन तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हो सकती है विकी? हो सकती है डैड। गुड, बाद में जो होगा मैं देख लूंगा, मगर ऐसा हो जाए तो अरुण वर्मा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। कोमल में अगर बचपना है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी बच्चे बन जाओ। अरुण, तुम जरा समझ से काम लो, घर में मांझे हैं, उनके सामने कोई हंगामा हो तो ये बात ठीक नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि गीता उसे यहाँ ले आई। और उसे दो चार दिन यहीं रहने दो, हम लोग उसे समझाएंगे। हाँ समझाइए उसे, और ये भी समझाइए कि मैं अपने दुश्मनों से तो लड़ सकता हूँ मगर जब अपने ही साथ छोड़ दे तो। हेलो, किससे बात करनी है आपको? कोमल, मैं विकी बोल रहा हूँ। विकी, तुमको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? जब कोई किसी से प्यार करता है कोमल, तो उसे कहीं भी ढूंढ निकालता है। एंड आई लव यू कोमल, आई लव यू। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं जहर खा लूंगा। ऐसा मत कहो विकी, नहीं, आई लव यू। तो फिर हमारे सामने एक ही रास्ता है, आज रात कहीं भाग चलते हैं, वहां कल ही शादी कर लेंगे। क्या? देखो मैं जैसा कहता हूं वैसा सुनो कोमल, प्लीज प्लीज, वरना कह दो कि तुम अपने भाई से डरती हो। मैं दुनिया में किसी से नहीं डरती, तो उनसे क्यों डरूं? That's my girl. लेकिन कल हमारी शादी हो जाएगी ना विकी? मैं आज रात 9:30 बजे तुम्हें लेने आऊंगा, तुम गेट पे रहना, ओके? आ जाना तुम। हाँ डॉक्टर साहब, उन्हें सब कुछ याद आ गया है, लेकिन अरुण बाबू इतना समझ लीजिए वो 15 साल बाद सो के उठी है, आप उनसे मिल सकते हैं, जाइए। वह हौसला तो था जिसने मुझे जिंदा रखा। माँ, कितना अच्छा लगता है सुनने में, फिर से कहो। माँ, कोमल कहाँ है? अरे कोमल, अरे कोमल उसे तो पता ही नहीं है, वहां वो मैं माथुर साहब के घर पर है, तुम आराम करो, मैं अभी लेकर आता हूं कोमल को, उसे पता चले वो कितनी खुश होगी। मां, ठहरो कोमल, तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझो, विकी ने मुझे बर्बाद कर दिया है, वो नाक तुम्हें भी डस लेगा। तुम झूठ बोल रही हो, तुम विकी को उतना नहीं जानती जितना मैं जानती हूँ उसे। ये खत मुझे विकी ने लिखी है कोमल, पिछले साल सिर्फ उसी की वजह से मुझे पूना जाना पड़ा है भाषण के लिए, ये लो उसकी झूठी मोहब्बत भरे हुए खत। ये मुझे दे, वापस कर दो ये खत मुझे, वापस कर दो इन्हें, छोड़ दो। विकी, ये सब क्या है? कोमल, तुम इस नीच की बात को मत आना, ये सब इतनी चाल है। नहीं कोमल, तुम इसके साथ कहीं मत जाना, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा, तबाह कर देगा।
की। तो फोन करना चाहिए। ये साहब गुप्ता जी हैं? जी हाँ गुप्ता जी, एक ही सहारा था बेटी का, वो भी चली गई।